तो जल्दी जल्दी 5 इजी टू क्रिएट एंड यूजफुल इफेक्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपकी वीडियो तो एक रिप्रेजेंटेबल होगी ही एंड ऑडियंस को स्टिक करके भी रखेगी। हाय गाइस, माय नेम इज मनीष एंड वेलकम टू द अनदर यूजफुल वीडियो। इफेक्ट नंबर 1 है टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट को कैसे रखें, उसके लिए सिंपली इफेक्ट में जाना है, टाइटल में जाना है और एक टेक्स्ट प्लस ले लेना है। फिर अपने टेक्स्ट की लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाकर अपना टाइटल लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइट हाउस। फिर अपनी वीडियो पे क्लिक करते हैं, ओल्ड को होल्ड एंड प्रेस करते हैं एंड डुप्लीकेट कर लेते हैं और अपने टेक्स्ट के ऊपर रख देते हैं। फिर आना है हमें कलर टैब में एंड यहाँ से मेक श्योर करना है कि आपकी ऊपर वाली लेयर ही सिलेक्ट हो। फिर आना है हमें विंडो पैनल में एंड यहाँ से हमें ले लेना है पेन टूल एंड इसको हम थोड़ा मास्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने मास्क कर दिया है। उसके बाद हमें आना है ट्रैकर में एंड यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन पे टिक करना है जिसका नाम है ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो इसको ट्रैक कर देते हैं। फिर चलते हैं हम अपने नोड एरिया में, राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे एड अल्फा आउटपुट कर देते हैं, ब्लू को ब्लू से अटैच कर देते हैं। फिर चलते हैं एक बार एडिट टैब में। तो कुछ इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे रख सकते हैं। इफेक्ट नंबर 2 है रिमूव ऑब्जेक्ट। देखो अभी ना लैपटॉप पर एक पैच है और अब नहीं है। इसको करने के लिए सिंपल वीडियो पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन इन फ्यूजन पेज पर आ जाना है। फिर यहाँ से मीडियन 1 पर क्लिक करना है एंड यहाँ से पेंट की नोट ले लेनी है। फिर ऊपर की साइड जाना है, स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इंस्पेक्टर में जाना है, फिर ब्रश पे ड्रॉप डाउन करना है एंड इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इतना एंड सॉफ्टनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 1.3 के समथिंग। फिर कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको थोड़ा सा साइड करेंगे एंड कलर पिक कर लेंगे एंड पैच के साइड वाला ऑप्शन को पिक कर लेंगे, इसको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको हवर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पैच जो है यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इफेक्ट नंबर 3 है स्पीड रैम्पिंग। ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं स्पीड रैम्प। इसे बनाने के लिए सिंपल वीडियो पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है रीटाइम कंट्रोल का, इस पे क्लिक कर देना है। तो मैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिख रहा है ना ब्लैक कलर का ट्रायंगल, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से एड स्पीड पॉइंट पर कर देना है एंड हमारा सेकंड पॉइंट होगा जहाँ तक हमें वीडियो स्पीड रैम करनी है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एड पॉइंट कर देना है, ड्रॉप डाउन करना है एंड चेंज स्पीड पर आ जाना है। अब जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ 800 इसकी स्पीड। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्पीड रैम हमारी हो चुकी है, बट ये थोड़ी सी ना स्मूथ नहीं है। इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड रीटाइम कर्व पर आ जाना है। फिर ये जो व्हाइट पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको सिलेक्ट करना है एंड इस पे क्लिक कर देना है, ऐसे ही इस पे क्लिक करना है। फिर इसको भी कुछ कर्व दे देना है और इसको आप मैनुअली भी कर्व बना सकते हो एंड इसको बंद करने के लिए फिर से राइट क्लिक करें एंड रीटाइम कर्व पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हमारी स्मूथ स्पीड रैंपिंग बन जाएगी कुछ इस तरह से। और अगर इसको और एडजस्ट करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए एंड आप नीचे देखिए नंबर बढ़ते जा रहे हैं और हमारी स्पीड रैंपिंग इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन सकता है। इफेक्ट नंबर 4 है पॉपअप टेक्स्ट। इस इफेक्ट को बोल देते हैं हम पॉपअप टेक्स्ट इफेक्ट। तो आइए इसी को बनाते हैं। सबसे पहले हमें टेक्स्ट ही लेना होगा, तो इफेक्ट में जाते हैं, टाइटल्स में जाते हैं एंड यहाँ से एक टेक्स्ट प्लस की लेयर ले लेते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देते हैं, जो भी लिखना है। मैं लिख देता हूँ फॉलो एंड अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट ले लेना है एंड इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं इतना। फिर प्ले हेड को टेक्स्ट के फर्स्ट फ्रेम पे रखना है, इंस्पेक्टर में जाना है, सेटिंग में जाना है एंड जूम पर एक की फ्रेम लगा देना है। फिर एरो की का यूज करके आपको 3 फ्रेम आगे आना है, 1, 2, 3। फिर यहाँ पे 1.25 इसको जूम कर देते हैं। फिर 3 फ्रेम और आगे आना है, 1, 2, 3। फिर यहाँ पे इसको कर देते हैं हम 1। तो सिंपल आपका पॉपअप टेक्स्ट इफेक्ट बन चुका है। तो इसको या तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो भी आप अपना टाइटल्स वगैरह डालते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका ये टेक्स्ट बन जाएगा। तो कुछ कट्स वगैरह एंड अपने टेक्स्ट को चेंज करके कुछ इस तरह से एनिमेशन बन सकता है। इफेक्ट नंबर 5 है सुपर स्लोमो। जैसे कि आप देख रहे हैं किसी भी क्लिप को सुपर स्लोमो कैसे बनाएं इन डाविंची रिजोल्व, काफी ही सिंपल है। अपनी फोटेज पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है रीटाइम कंट्रोल का, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको वो पार्ट सिलेक्ट करना है जिस पार्ट को आपको सुपर स्लोमो बनाना है एंड अपने प्ले हेड को थोड़ा आगे लाना है एंड ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है एंड एड स्पीड पॉइंट पे कर देना है। ऐसे ही एक और पॉइंट एड करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एड स्पीड पॉइंट पे कर देना है। अब जो बीच का पार्ट है इसी पे हम स्लोमो अप्लाई करेंगे। फिर दोबारा से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड चेंज स्पीड पे हमें 25% कर देना है। तो एक बार आप देख लेते हैं प्ले करके, तो कुछ इस तरह से स्लोमो हो रहा है लेकिन ये स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्पेक्टर में जाएंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे ऑप्शन होगा रीटाइम एंड स्केलिंग का, इसको ऑन कर देना है एंड उसका फर्स्ट ऑप्शन होगा रीटाइम प्रोसेस का, तो इसे ड्रॉप डाउन करना है एंड ऑप्टिकल फ्लो कर देना है। अब इसको प्ले करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा सुपर स्लोमो इफेक्ट बन चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अमेजिंग इफेक्ट्स एंड फंक्शंस।